सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि वुडपेकर से वन टैप हेडशॉट कैसे मारते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आ चुके हैं हम लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में और ट्रिक नंबर वन हमारी है एम के बारे में। तो आपको जो अपना एम है वो एनिमी के लेग के पास रखना है, ना कि चेस्ट के पास। और एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आप शॉटगन से वन टैप मारने की कोशिश करें तब आपको जो एम है अपना वो एनिमी के चेस्ट के पास रखना चाहिए, ना कि लेग के पास। और जब भी आप राइफल से वन टैप मारने की कोशिश करें तब आपका एम जो है वो एनिमी के लेग के पास होना चाहिए, ना कि चेस्ट के पास। तो ट्रिक नंबर टू है हमारे ड्रैगन फायर के ऊपर। तो आपको तब फायर करना है जब आपका एम एनिमी के बॉडी के ऊपर ना हो और फिर भी रेड हो, तभी आपको ड्रैगन फायर करना है। तो ट्रिक नंबर थ्री है हमारे जॉयस्टिक के बारे में। तो आपको जब भी किसी भी गन से वन टैप मारना हो तब आपका जॉयस्टिक को बिल्कुल यूज नहीं करना है, इसकी जगह आपको स्प्रिंट वाला बटन ही यूज करना है, वरना वन टैप नहीं लगता है। तो ट्रिक नंबर फोर है हमारी जंप एंड फायर के ऊपर। तो आपको जब भी एनिमी दिखे तब आपको उसके लेफ्ट या राइट से जंप करना है, और जैसे ही आपका पैर जमीन को टच करे तभी आपको ड्रैग फायर करना है। तो बस यही थे कुछ आज के ट्रिक्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको डेजर्ट ईगल से वन टैप हेडशॉट मारना सीखना है तो ये वाला वीडियो देख लीजिए। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।